राजधानी शिमला में संजौली के हेरिटेज इंस्टीट्यूट में पढ़ चुके छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर पास आउट होने के बाद भी डिग्री न देने का आरोप लगाया है। दरअसल छात्रों का कहना है कि उन्होंने 2014 में इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था और 2017 में उनकी डिग्री खत्म हो गई थी, परंतु अभी तक उन्हें ना ही डिग्री मिली है और ना ही मार्कशीट। छात्रों का कहना है कि उन्हें पास आउट हुए भी लगभग 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें शिक्षण संस्थान की ओर से कुछ भी नहीं मिला है। ऐसे में छात्र परेशान हैं और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। इसी को लेकर छात्रों ने सोमवार को उपायुक्त शिमला और SP शिमला से मुलाकात की और उन्हें एक मांग पत्र भी सौंपा। छात्रों का कहना है कि इंस्टीट्यूट में ऐसे तकरीबन 400 से 500 छात्र हैं जिनके पास अभी तक उनकी डिग्रियां नहीं हैं। ऐसे में ना ही उन्हें नौकरियां मिल पा रही हैं और ना ही डिग्री होने के चलते उनका प्रमोशन हो रहा है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें जल्द से जल्द उनकी डिग्रियां देकर उनके साथ न्याय किया जाए। मैं शिमला का रहने वाला हूँ। मैंने 2014 में हेरिटेज इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। 2017 में पास आउट हो गया। अब इनफैक्ट 2020 चल रहा है, 3 साल मेरे को हो चुके हैं। ना मेरे पास मार्कशीट्स है, ना मेरे पास डिग्री है, ना मेरी प्रमोशन हो पाई। मैं होटल्स में जॉब करने गया, वहाँ पे मेरे प्रमोशंस में प्रॉब्लम आई। उसके बाद मैंने होटल इंडस्ट्री छोड़ दी। मैंने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करा तो उसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए होती है, तो मेरे पास वो डिग्री भी नहीं है। इनफैक्ट मैं कॉलेज में बात करता हूँ, उन लोगों का कहना है 15 दिन वेट कीजिए, 20 दिन वेट कीजिए, आ जाएगी। अब तो ये कहानी ऐसी है इनकी, ऐसा कहते हैं कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम नहीं डरते किसी चीज़ से। तो इसलिए हम थोड़ा अब SP साहब के पास कंप्लेंट करने आए हैं, थोड़ी DC के पास भी कंप्लेंट करने आए हैं। बाकी गवर्नमेंट के लिए भी एक मैसेज है कि हमारी हेल्प करिए थोड़ी। बच्चों का फ्यूचर काफ़ी इस पर लगा हुआ है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 400-500 बच्चे हैं जिनके पास डिग्री और मार्कशीट्स नहीं है। तो ये काफ़ी सीरियस इशू है, तो गवर्नमेंट को भी इसके रिगार्डिंग कुछ हेल्प करनी चाहिए हम लोग। जैसे अभी मैं रिसेंट 2018 में गया था वहाँ पर, उनका कहना है आप 15 दिन वेट कीजिए। 18 से देखिए अब 2020 स्टार्ट हो गया है, अभी तक ना मेरे पास मार्कशीट है, ना मेरे पास डिग्री है, ना रीज़न सर वो कोई स्पेसिफिक करते हैं कि किस वजह से नहीं आ पा रही है। वो 3 ईयर का डिग्री था और 2017 में हमारा बैच जो पास आउट हो चुका है। तो मैं पास आउट हुए 3 साल हो गए, अभी तक हमें ना ही कोई डिग्री मिली हुई है और ना ही हमें कोई भी मार्कशीट्स मिली हुई है, और इससे हमें बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे हमें जॉब के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है एक्चुअली, मतलब हम कहीं भी अप्लाई नहीं कर पाए, ना ही प्राइवेट जॉब में ना ही गवर्नमेंट जॉब में। जो हम प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं वहाँ पर भी हमें डिग्री ना होने के कारण हमें प्रमोशंस नहीं मिल पा रहे हैं। और मैंने हमारे गवर्नमेंट जो हम अप्लाई करते हैं तो डिग्री ना होने के कारण हमें वहाँ से भी रिजेक्ट हो जाते हैं। मैंने लास्ट ईयर मेरा क्लरिकल का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो चुका था, तो वहाँ पे जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो डिग्री ना होने के कारण मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। और प्राइवेट जो भी जॉब्स करे उसमें भी ऐसा ही है, हम 3 साल से एक ही पोजीशन पे काम कर रहे हैं और एक ही सैलरी पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि डिग्री ना होने के कारण हमें कोई प्रमोशन नहीं मिल पा रहे। और काफ़ी लड़के ऐसे हैं जिन्होंने कंपनी चेंज करने के लिए जॉब छोड़ दी थी, तो फिर डिग्री ना होने के कारण उन्हें और नए होटल्स में जॉब भी नहीं मिल पा रही है। इससे हमने बात भी करी है विभाग से और कॉलेज में भी बात करी थी, तो कॉलेज वाले तो टाल मटोल कर लेते हैं, बोलते हैं कि 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। ऐसा करते करते 3 साल हो गए हैं, और ऐसा नहीं कि एक या दो लड़के हैं, इतने सारे लड़के इस परेशानी से जूझ रहे हैं और कम से कम 300-400 के करीब लड़के होंगे। सोचते हैं कि हमारी जो ये प्रॉब्लम है इसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकाला जाए। हिमाचल दस्तक वेब TV के लिए शिमला से ब्रजेश।